वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने आधा किलो कटहल ले लिया। कटहल बाज़ार में थोड़ा सा बड़े पीसेस में मिलता है, तो मैं छोटा छोटा पीस काट लूँगी। काटने से पहले मैंने हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लिया और चाकू में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लिया और छोटा छोटा पीस काट ले रही हूँ। छोटा छोटा पीस काट के तुरंत मैं पानी में डालूँगी। देखिए, इसी तरह से मैंने छोटा छोटा पीस काट लिया कटहल और पानी में मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा नमक इसमें डाल के 10-15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी कटहल को। और सब्जी के लिए मैंने 2 प्याज, अदरक, लहसुन, 2 टमाटर, 2 आलू और खड़ा मसाला ले लिया। पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। आलू को अच्छे तरह से मैं फ्राई कर लूँगी, ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। आलू अच्छे तरह से फ्राई करके डालने से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़िया आता है। देखिए, इसमें आप धीरे इसमें ब्राउन कलर आ गया है। अब आलू को मैं निकाल लूँगी। आलू को निकालने के बाद मैं कटहल को भी फ्राई कर लूँगी। देखिए, कटहल को मैं फ्राई कर लूँगी, इसको भी ब्राउन कलर आने तक अच्छे तरह से मैं फ्राई करूँगी। कटहल की सब्ज़ी में आलू डालने से इसका बढ़िया टेस्ट आता है। इसका ग्रेवी भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो अच्छा भी लगता है खाने में। देखिए, इसमें अब कलर आ गया है तो मैं कटहल को भी निकाल ले रही हूँ। और कटहल की सब्ज़ी आज मैं कुकर में बनाऊँगी। इसके लिए मैंने कुकर में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दे रही हूँ, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ता, 1 खड़ा लाल मिर्च और थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च और थोड़ा सा 1 छोटी इलायची, थोड़ा सा 1 टुकड़ा दालचीनी डाल दिया और 2 प्याज जो मैंने लिया था वो काट के इसमें डाल दिया और अच्छे तरह से मिक्स कर लिया। और प्याज में थोड़ा सा मैं नमक डाल दे रही हूँ ताकि प्याज अच्छे तरह से गल जाए। अब प्याज और नमक मिक्स कर लिया। देखिए, तो प्याज में अब कलर आ गया है। जो लहसुन और अदरक मैंने लिया था वो पेस्ट बना के इसमें डाल दिया और अच्छे तरह से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें 2 हरी मिर्च काट के मैंने डाल दिया, थोड़ा सा चीनी इसमें डाला अब मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। लाल मिर्च जैसे तीखा पसंद है उस हिसाब से आप डालिएगा। अब अच्छे तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं 2 जो टमाटर लिया था वो पेस्ट बना के इसमें डाल दिया और मसाला को अच्छे तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। और मसाला को अच्छे तरह से इसको भूनना है, जब तक इसमें तेल छोड़ने ना लगे तब तक इसको पकाना है। देखिए, आप इसमें तेल छोड़ रहा है धीरे धीरे। अब मसाले में तेल छोड़ दिया है तो आलू और कटहल में जो भून के रखी थी उसमें डाल दिया और अच्छे तरह से मसाला के साथ मिक्स कर ले रही हूँ। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी। देखिए, आप इसमें भी तेल छोड़ने लगा है, अच्छे तरह से मिक्स भी हो गया है। तो मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया और थोड़ा सा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच घी मैंने इसमें डाल दिया। गरम मसाला मैं घर का खड़ा मसाला पीस के बनाती हूँ, तो आप पैकेट का डाल रही हैं तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डालिएगा। और 1 कटोरी पानी और मैंने डाल दिया और कुकर का ढक्कन बंद कर दिया। कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी मैंने लगा लिया। देखिए, 2 सीटी के बाद कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है। कटहल की सब्ज़ी तैयार हो गया। ऊपर से मैंने धनिया के पत्ते डाल दिया और अच्छे तरह से मैंने मिक्स कर लिया। देखिए, कितना बढ़िया बन गया है कटहल की सब्ज़ी, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं 1 बाउल में निकाल ले रही हूँ। आप ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया का पत्ता मैं डाल दे रही हूँ। इसी तरह से आप कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे तो नॉनवेज भी इसके आगे फेल हो जाएगा। तो आप कभी भी इसी तरह से कटहल की सब्ज़ी मेरे तरह बनाइए, खाइए और खा के कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।